हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। अमृतसर का वेज और नॉन वेज फूड दोनों पॉपुलर है। मैं इस फूड जर्नी में नॉन वेज फूड एक्सप्लोर करूंगा। इस समय मैं मजीठा रोड पे भीरा चिकन के बाहर खड़ा हूं। यहां के चिकन की मैंने काफी तारीफ सुनी है, चल के लंच में आज चिकन खाते हैं। तंदूरी आपके पास? हाँ जी, ठीक है, हाफ तंदूरी कर दीजिए। ठीक है, और एक पानी की बोतल दे दो। थैंक यू। रेफरेंस तो जगह का बहुत बढ़िया मिला है। चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्रेश तो है ही है। मसाले पावर पैक तो बिल्कुल नहीं है, बैलेंस कह सकते हैं, मसाले काफ़ी बैलेंस हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आगरा में भी बताया था कि नॉनवेज मैं काफ़ी कम खाता हूँ, 3 महीने 4 महीने में एक बार। बट वॉट एवर लिटिल आई हैव, वन ऑफ द गुड तंदूरी चिकन आई एम एंजॉइंग एट दिस प्लेस। इसीलिए यहाँ पर लोग बोलते हैं कि बीरा का चिकन में आपको काफ़ी अच्छा स्वाद मिलेगा। वेरी गुड, नींबू डाल के बढ़िया टेस्ट आ रहा है। स्वाद में ये पुदीने की चटनी इन्होंने दिया। मैंने सुना है यहाँ पर तंदूरी के अलावा कढ़ाई चिकन और बटर चिकन भी फेमस है, तो ये ख़त्म करने के बाद मायसेल्फ विद द टीम कढ़ाई चिकन ऑर्डर करेंगे। तो मैं आपको कढ़ाई चिकन खाने के बाद बताऊँगा कि वो कैसा टेस्ट आ रहा है, उसका प्रिपरेशन कैसी है। कोशिश करूँगा कि कढ़ाई चिकन बनते समय किचन में जाके मैं देख सकूँ कि बना कैसे रहे हैं। आई ट्राई कैप्चरिंग दैट इन कैमरा। ये नमक है, एक धनिया है, जीरा है, ये लाल मिर्च हैं, ये मेथी है कस्तूरी। ये जो मसाले हैं ना, ये बहुत ही महंगे होते हैं। ये दालचीनी, लौंग, इलायची जो है साबुत लेते हैं, साबुत ले गए तो हम ग्राइंडर करते हैं। सर ये मसाला टेस्ट कर सकता हूँ? हाँ सर। लौंग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है? सर लौंग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग ही रखा हमने, क्योंकि सर ये है ना चाय में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और चाय में अगर आप यूज करेंगे तो आपको उसका फ्लेवर और ज्यादा टेस्टी आएगा, क्योंकि हम लोग चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा यूज करते हैं। सर हमारे यहाँ बटर चिकन और फ्राइड चिकन स्वीट नहीं है, स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, मगर स्पाइसी है। लोगों का बटर चिकन मीठा होता है, लेकिन हमारा बटर और कढ़ाई दोनों ही स्पाइसी रखते हैं। मैंने देखा लौंग, इलायची, दालचीनी का मसाला, लौंग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है। एक बात तो समझ आ गई, जो पूरी प्रिपरेशन के अंदर गेम है वो मसालों की है। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को तंदूरी ज़्यादा इन्जॉय मैं कर रहा था कढ़ाई चिकन के मुकाबले में, लेकिन अब प्रॉपर मील अगर खाना है तो तंदूरी से मज़ा नहीं आएगा। कढ़ाई चिकन मैंने अच्छा किया ऑर्डर करके, दिस इज़ ऑल्सो गुड। सम हाउ मेरे को तंदूरी खाने में ज़्यादा मज़ा आया था। करेची है, डिसेंट टेस्ट, मसाले ओवर पावरिंग तो नहीं है। उसमें भी लग रहा था मेरे को तंदूरी खाते समय कि मसाले ओवर पावरिंग नहीं है। चिकन तो पहले खा के देख लिया था, सॉफ्ट है। वैसे आज से पहले खाली मैंने बटर चिकन और तंदूरी खाया है, कढ़ाई चिकन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी नहीं खाया। गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा मेरे को खा के। अमृतसरी फिश के बारे में अगर यहाँ पर किसी से पूछो तो सबसे पहला नाम आ रहा है माखन का, मजीठा रोड पे। इस समय मैं माखन रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ डिनर में फिश खाने के लिए। चलिए मैं रेस्टोरेंट के अंदर चलता हूँ। स्नैक्स में ना आप दे दीजिए फिश फ्राइड संगाड़ा, संगाड़ा ठीक है, उसके 10 मिनट के बाद आप दीजिएगा जी सर फिश करी। किस करी? साथ में क्या रोटी दोगे? रोटी ले सो, बटर रोटी, गार्लिक नान, बटर नान, लच्छा पराठा, सादी रोटी बिना बटर के। ठीक है सर। ठीक है, तो फिश फ्राइड संगाड़ा के 10 मिनट के बाद ठीक है।
फिश करी। ठीक है, थैंक यू। 10 मिनट लगेंगे ऑर्डर आने में, तब तक बाहर मैं फिश फ्राई नज़र मार के देखा कि हो रही है, एंट्रेंस के टाइम मैंने देखा था, देख के आता हूँ बाहर कैसे फ्राई कर रहे हैं। बाहर आने से दो चीज़ें पता लगी हैं, एक तो फिश फ्राई कर रहे हैं सरसों के तेल में, सरसों मतलब मस्टर्ड ऑयल। इनका कहना ये है कि ऐसा करने से फिश करारी फ्राई होगी और टेस्टी होगी। दूसरी बात, फिश में से बोन निकाल देते हैं जिससे कि जो सर्व करते हैं टाइम फिश बोनलेस सर्व होती है। फिश के साथ यहाँ पर मिली है मेरे को हरी चटनी, म्यूनिस, नींबू। पहले क्या होता था कि मैंने जब भी दो चार बार पहले फिश खाई है, फिश मंगाओ साथ में हरी चटनी, थोड़े से प्याज और ऊपर डाल लो नींबू। लेकिन ये म्यूनिस इज़ लाइक न्यू किड ऑन द ब्लॉक, आजकल हर चीज़ में म्यूनिस आ रही है एज अ टॉप अप। जैसा कि मैंने बाहर पूछा था, ऊपर से करारापन है। इसके अंदर जो मुझे समझ में आ रहा है कि गेम तो मसालों की है, बट एट द सेम टाइम जो बेसन इस्तेमाल किया गया है वो कितना क्वांटिटी में मुझे नहीं मालूम, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो गिविंग गुड फ्लेवर फिश के अंदर। चटनी के साथ साथ मैं इसको म्यूनिस के साथ भी इंजॉय कर रहा हूँ, तो म्यूनिस इन्होंने जो एड ऑन किया सही है। फिश मैं बहुत कम खाता हूँ, मुझे लगता नहीं कि 7-8 महीने में शायद एक बार, बट वॉट एवर लिटल आई नो अबाउट फिश आई एम फाइंडिंग दिस गुड। नो बेंचमार्क्स टू कंपेयर, एक चीज़ मैं खाता इतना कम हूँ तो कंपेयर किसके साथ करूँ, बट अगर मैं इंजॉय कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे को पसंद आ रही है। करी इज़ वेरी गुड, मसाले एकदम बैलेंस हैं। अब मैं ज़रा फिश की बाइट लेता हूँ। करी का फ्लेवर ही है जो फिश के अंदर आ रहा है। फिश फ्राई के अंदर जो फ्लेवर था वो सरसों का तेल और बेसन था, यहाँ पर ऑब्वियसली सरसों का तेल का फ्लेवर है लेकिन वो करी के अंदर दब गया। अब इन्होंने मुझे लग रहा है कि फ़िश को फ्राई करके फिर करी में डाला है। आई मे बी रॉन्ग देयर बट दैट्स माई गेस। आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा और बढ़िया फ़िश कहाँ मिलती है, और ज़रूर जाऊँगा, सो दैट देन आई विल बी एबल टू कंपेयर दिस फिश विद वॉट आई गेट ओवर देयर। एज ऑफ नाउ गुड है, गुड रेफरेंस। अगर आप अमृतसर आते हैं तो यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हैं। मैं हरीसर के साथ काम करता हूँ और नॉनवेज में मैं सिर्फ चिकन ही खाता हूँ, बट फिश मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को फ़िश खाने में। और मैंने ये भी सुन रखा है कि फ़िश के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो आज होटल जाके मैं थोड़ा स्टडी करूँगा इसके ऊपर। मीट दी मैन बिहाइंड दी शो, हरजीत सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं। सर कुछ बताइए जस्ट अबाउट दी फिश, अपने बारे में। सर हमारे बारे में जी, हम यहाँ पे मजीठा रोड पे 1962 से बैठे हुए हैं। 1962 से मेरे अपना दादाजी सिद्धार्थ सुच्चा सिंह थी, पहले वो चलाए, उन्होंने काफ़ी देर चलाया, उसके बाद उन्होंने मेरे फादर साहब सरदार मलकीत सिंह के हैंड ओवर कर दिया। मेरे को खुद इस लाइन में, जब मैं 14 साल का था तब से इस लाइन में हूँ, अभी 25 साल से ऊपर हो गए मेरे को इस लाइन में। अभी भी जो हमारे मसाले हैं, जो फिश के ऊपर कोटिंग होती है, जितने चाट मसाले, गर्म मसाला, जितने मसाले, सब हम अपने बनाते हैं, हम बाहर से कोई भी मार्केट से मसाला परचेस नहीं करते। मैं नॉनवेज फूड जॉइंट के रिव्यू पढ़ रहा था अमृतसर में, तो एक नाम आया चार्मिंग चिकन। रिव्यू में लोगों ने लिखा था कि वहाँ जाओगे तो बटर चिकन ट्राई करना, तो मैंने अपने लिए बटर चिकन ऑर्डर कर दिया। ऊपर से जो मेरे को 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्रीम, बटर है तो बटर चिकन है तो बटर होगा, और तीसरा इन्होंने गार्निश किया धनिया से। बाकी मैं आपको खा के बताता हूँ। साथ में मैंने बटर नान मंगाया, ये डालते हुए मुझे लग रहा है पीसेस स्मॉल हैं, आमतौर पर बटर चिकन के पीसेस बड़े होते हैं, तो ये अच्छी बात है। यस अच्छी बात है छोटे पीसेस होना। आमतौर पे बटर चिकन में मैंने नोटिस किया मैक्सिमम जगह ग्रेवी स्वीट होती है, मीठा, लेकिन यहाँ पर मिठास नहीं है ग्रेवी में। मैंने बीरा पे भी नोटिस किया था कि ग्रेवी मीठी नहीं है, तो बीरा में और यहाँ चार्मिंग चिकन में ग्रेवी का कॉन्सेप्ट इन्होंने डिफरेंट कर दिया बटर चिकन को लेकर। दूसरी बात, यहाँ की ग्रेवी में मुझे जो लग रही है कि जो ग्रेवी में पेस्ट इस्तेमाल किया गया है वो काजू पेस्ट का यूज़ किया है। काफ़ी लोग मगज़ का भी इस्तेमाल करते हैं,
वाइट ग्रेवी के अंदर। अब काजू थोड़े महंगे होते हैं तो कुछ लोग मगज़ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग काजू इस्तेमाल करते हैं वाइट ग्रेवी बनाने के लिए, विच इज़ गुड। एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बटर चिकन का ग्रेवी के अंदर मेरे को पहली दूसरी एक दो बाइट के अंदर ही पता लग गया कि यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया गया है। अगेन, कम लोग इस्तेमाल करते हैं देसी घी। चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कहीं मैं बटर चिकन खा रहा हूँ और मैं इस तरह से चम्मच से हल्का सा कट करूं और बटर चिकन दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये मेरा पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। जैसे हम कहीं कढ़ाई चिकन, सॉरी नॉट कढ़ाई चिकन, पनीर खा रहे होते हैं, पनीर की कोई डिश खा रहे होते हैं तो हल्का सा पनीर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं छोटा करने के लिए। तो मैंने देखा यहाँ पे हल्का सा मैंने कट किया और वो चिकन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दैट ओनली शोज ओनली थिंग कि सॉफ्ट है। पीसेस छोटे होने से बाइट करना आसान है, च्यू करना आसान है। समाओ मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने एक बाइट लिया और मैं बटर चिकन ही खाता जाऊं, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है। चार पांच चम्मच तो मैंने खा लिए जिसमें से रोटी की एक ही बाइट ली है। चिकन की फ्रेशनेस से सॉफ्टनेस का पता लगता है। पीसेस के छोटे होने से खाना आसान है। ग्रेवी के अंदर स्वीट ना होने से एक नया ही कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक मैंने जितना खाया है मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस में दिस इज द बेस्ट बटर चिकन आई हैव एवर हैड। अब सोचो आप कि मजीठा रोड पे चार्मिन चिकन बड़ा छोटी सी रेस्टोरेंट है, जबकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, प्लस मजीठा रोड पे चलती रोड है, तो चार्मिन चिकन के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। अगर मैं नेट पे नहीं पढ़ रहा होता तो मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता लगता। छोटा सा रेस्टोरेंट है, साइज में मुश्किल से 5 या 7 टेबल लगे हुए हैं, लेकिन ये जगह वर्थ कमिंग है, वर्थ विजिटिंग है। आई एम हैप्पी कि आई फाउंड दिस प्लेस। तो मैं गलत नहीं होगा ये बोलना कि ये हिडन जेम है नॉनवेज फूड को लेकर। बाकी जगह चीज़ों का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने टेस्ट भी नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया, लेकिन बटर चिकन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप ट्राई करना, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे ऐसा मुझे लगता है। बाकी जितना मुझे समझ में आया खाकर वो तो ये है कि अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस बटर चिकन को लेके। बाकी फर्दर जानने के लिए कि चिकन में ऐसा क्या सिस्टम है जो हमें बाकी जगह नहीं मिलता, मेरे को ओनर से बात करनी पड़ेगी, स्पेशली जो खाना यहाँ पर बना रहे हैं खुद। हम जो बटर चिकन बनाते हैं टोटली डिफरेंट रेसिपी से बनाते हैं। जो लोग बटर चिकन बनाते हैं वो तंदूरी का बनाते हैं, हम कच्चे को इसमें बटर चिकन बनाते हैं, और जो मसाले यूज़ करते हैं वो आप खुद पिसवाते हैं और अपनी रसोई का पूरा खास साफ सफाई पर ध्यान देते हैं और हाइजीनिक तरीके से सामान बनाकर कस्टमर को खिलाते हैं। मैं अभी बटर चिकन खा रहा हूँ। ये बटर चिकन मुझे वाकई में बहुत पसंद है। इसका जो टेस्ट है, इसका जायका है, बहुत ही उम्दा किस्म का है। हम सब आए हैं हैदराबाद से, यहाँ पे हमने मंगाया तंदूरी चिकन, बटर चिकन और लच्छा पराठा। हमने 3-4 जगह यहाँ पे ट्राई किया पर यहाँ पे सबसे बेस्ट है। इनके स्टाफ को मैंने बोला है मुझे एक थम्स अप दे दो, तो मुझे बोला कि आप LMG ट्राई करोगे। तो नाम मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, LMG क्या हुआ, तो बोलते हैं लेमन मिंट जिंजर है इसकी फुल फॉर्म। ये हमारी प्रिपरेशन है, तीनों चीज़ों को मिला के बनाते हैं, ऊपर डालते हैं सोडा। तो इस समय ये LMG एक अनोखी तरह का नाम है जो मैं पी रहा हूँ सोडा के साथ। नीचे कुछ पल्प सा जमा हो रहा है, बट एनीवेज मिक्स करके पीते हैं। खट्टा चटपटा सा फ्लेवर है। अब ऑब्वियस है ये तीनों एक्सट्रीम चीज़ें हैं टेस्ट में, लेमन मिंट जिंजर और उसमें सोडा का फिज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डाइजेशन के लिए बड़ी काम की चीज़ है। इस तरह का एक ग्लास पीकर वन कैन फील कि मैंने जो भी खाया वो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो गया। आप अगर इस तरफ आते हैं, नॉनवेज में कुछ भी चीज़ ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली अगर आप पहले एक दो बार आ चुके हैं तो यू मे वॉन्ट टू ट्राई समथिंग एल्स, लेकिन ये ज़रूर ट्राई करना LMG, तो आपको खास मज़ा आएगा ये ड्रिंक पीकर। मैं इस समय पालदा ढाबा हाथी गेट पे हूँ। यहाँ एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर मैं पाया खाने आया हूँ। पंजाबी में इसको खरोड़े कहते हैं, इंग्लिश में टॉटर्स। यहाँ के पाए की तारीफ ज़्यादा करी है लोगों ने, हालांकि यहाँ और भी नॉनवेज डिशेस अवेलेबल हैं, तो मैं ऑब्वियस है जिसकी तारीफ हुई है मैं उसी के ऊपर आया। मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे नेट में इस जगह के बारे में। ढाबा हालांकि बड़ा नहीं है, छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे 5-6 टेबल्स लगे हुए हैं, लेकिन अब तारीफ इतनी ज़्यादा थी
कि मेरे से रहा नहीं गया आए बगैर। जैसे पंजाबी मसाले तीखे होते हैं, आमतौर पे पाए बनाने वाले सब लोग मसाले में गरम मसाला आमतौर पे तेज रखते हैं, तो यहाँ पे मेरे को गरम मसाला स्लाइटली ऑन हायर साइड लग रहा है। बाकी जैसे और खाऊंगा तो आपको बताता हूँ। जितना मैं पाए के बारे में समझता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी क्लीनिंग, ये खाते समय बाल ना आए और पीस एकदम साफ़ हो। तो इनिशियली मैंने जो अभी एक आध पीस लिया है, इससे मेरे को फर्स्ट फील तो ये आ रही है कि पीस क्लीन है। दूसरी बात, इसको ढंग से बॉईल किया गया है कि पीस सॉफ्ट है और बोन से इजिली अलग हुआ है। आज से पहले मैंने लास्ट टाइम खरोड़े खाए थे पहलवान दा ढाबा पहाड़गंज में, कम से कम 5 या 6 महीने हो गए। उसके बाद ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, वो भी सही थे। उस टाइम हमने मैं पर्सनल विजिट पे गया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इस बार यहाँ पे अमृतसर एक पर्पज़ से आए हैं तो मैं नॉनवेज ट्राई कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा है जितना मेरे को पहाड़गंज में पहलवान दा ढाबा में मिला था, इनफैक्ट उससे बेहतर एक्सपीरियंस है। जितना मैं पाए के बारे में जानता हूँ, मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि बोन्स के लिए अच्छा होता है। किसी को अगर हड्डियों की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन है, तो लोग पाए का सूप पीते हैं बनाकर, स्पेशली विंटर्स में। गर्मियों में तो गर्म होता है, और गर्मियों में खाओ चाहे सर्दियों में खाओ, खाने के बाद आपको आधा घंटा पौना घंटे तक कायदे से पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है। तो कुल मिला के मेरे को एक अच्छी डिश लग रही है, एक अच्छी प्रिपरेशन है इस जगह पाल दा ढाबा में। सिर्फ ये है कि छोटा सा ढाबा है तो कभी कभी बाहर से देखने में शैबी लगता है, तो हो सकता है कोई आना प्रेफर ना करे। लेकिन अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो और आप थोड़ा सा रेडी हो कॉम्प्रोमाइज़ करने में ऑन सिटिंग एरिया, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू कम एंड ट्राई दिस डिश अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। मुझे यकीन है, इनफैक्ट उम्मीद है कि अगर आप आएंगे तो आप भी इंजॉय करेंगे। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ, जब भी मेरे को किसी टूर से यहाँ अमृतसर आना पड़ता है तो ये खरोड़े खाए बगैर मैं नहीं जा सकता। इतना टेस्टी लगता है, 10 साल से मैं यहाँ कंटिन्यू, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो स्पेशल यहाँ अमृतसर में जब भी आता हूँ खा कर ज़रूर जाता हूँ। ये मेरा कज़न है, इनसे पूछो ये कैसा टेस्ट है। बहुत ही सुपर टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। लखनऊ जबकि मुगलई आइटम में बहुत ही फेमस है, मगर सबसे पहली बार मैंने ये आइटम खाई है, मुझे बहुत ही पसंद है। आज मैं दी येलो चिली रंजीत एवेन्यू में लंच में फ़िश खाने आया हूँ। अमृतसरी मच्छी बहुत मशहूर है। लंच में मैंने दो तरह का फ़िश ऑर्डर किया है, एक तो है अमृतसरी मच्छी, जनरली यहाँ पे सोल फिश चलती है। सेकंड फ़िश ऑर्डर करी है नींबू मिर्च तवा फ़िश, जो कि तवा पे बनी है, डीप फ्राई नहीं हुई। अमृतसरी मच्छी डीप फ्राई हुई है। अभी सर्व कैसे की गई है, अमृतसरी मच्छी को साथ में दिया मेयोनीज और सैलड। दूसरी फिश जो है नींबू मिर्च तवा फिश, उसको सर्व में करने में साथ में दिया है सॉल्टेड वेजिटेबल्स और टाटर सॉस। टाटर सॉस सेपरेट भी दिया और थोड़ी सी फिश के ऊपर भी डाली गई है। पहले मैं टेस्ट करता हूँ अमृतसरी मच्छी और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। जनरली मुझे ऐसा लगता है नॉर्थ इंडिया में फिश जो खाई जाती है वो हरी चटनी के साथ ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन पंजाब में लोग मेयोनीज के साथ मच्छी को खाना पसंद करते हैं। बाहर से फिश क्रिस्पी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बोनलेस है। अभी जो मेरे को फर्स्ट बाइट खा के लगा है, म्यूनिस के साथ फिश को खाना मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। वैसे भी फिश मैं कम खाता हूँ तो आई एम नॉट सो मच हैंड्स ऑन टू फिश, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि म्यूनिस के साथ फिश को खाना इज़ ए गुड कॉम्बिनेशन। फिश को खाने से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल का जो यूज़ किया गया वो मैरिनेट करने टाइम किया गया, लेकिन जो डीप फ्राई हुई है मस्टर्ड ऑयल में नहीं हुई, रिफाइंड के अंदर हुई है। जितने मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम लोग जो फिश खाते हैं वो रिफाइंड ऑयल में डीप फ्राई की जाती है, लेकिन अगर आप बंगाल साइड चले जाओगे तो वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ही चलता है फिश के अंदर। दैट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि जीरे का फ्लेवर आ रहा है, तो दैट काइंड ऑफ मेक्स मी फील कि मैरिनेट करते समय जीरे का भी इस्तेमाल किया गया है। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि अमृतसरी मच्छी या पंजाब में जो मच्छी खाते हैं उसके अंदर जीरे का फ्लेवर आता है। दैट सीम्स ट्रू व्हाइल आई एम हैविंग दिस फिश। अभी तक मैंने अमृतसरी मच्छी के 3-4 पीसेस खाए हैं, टेस्ट मैंने इंजॉय किया, काफ़ी सॉफ्ट मच्छी है, मसाले डिसेंट हैं, काइंड ऑफ
कॉस्मोपॉलिटन टेस्ट जिसको बोलते हैं कि पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल द रीजन्स कैन एंजॉय। मैरिनेट अच्छा किया गया है, काफ़ी लोग शॉर्टकट करने के चक्कर में 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करते हैं जिससे कि मसाले का फ्लेवर अंदर तक नहीं जाता। एक तो मेरे को जीरा पता लगा, जीरे का फ्लेवर, और दूसरा मस्टर्ड ऑयल में भी मैरिनेट किया गया है। टेस्ट इज़ गुड। अब बिफोर आई ईट दिस फर्दर एक बार मैं ये वाला फिश ट्राई करता हूँ, इसका टेस्ट कैसा है। इस फिश का नाम है नींबू मिर्च तवा फिश। ऑर्डर देते समय मुझे बताया गया कि ये तवे पे बनती है, डीप फ्राई नहीं होता। थोड़ी सी मैं टाटा सॉस अलग से ले लेता हूँ। तवा से समझ में आ गया कि डीप फ्राई नहीं किया गया, मतलब ऑयल काफ़ी लिमिटेड है। नींबू का हल्का हल्का खटास आ रही है, उसके बाद चिली फ्लेक्स मेरे को फील हो रहे हैं इसको खाते हुए, लेकिन वो उतने फील नहीं हो रहे कि खाते समय मिर्च लगे, लेकिन जस्ट अ फील ऑफ सम चिली फ्लेक्स इनसाइड। ये कॉम्बिनेशन ठीक है इसका टाटा सॉस के साथ, क्योंकि अगर मैं इसको म्यूनिस के साथ ट्राई करूँगा तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जो टाटा सॉस के साथ आ रहा है। फिश इज सो सॉफ्ट कि बाहर से भी सॉफ्ट है, अंदर से भी सॉफ्ट है। अच्छा हो गया कि मैंने ये फिश साथ में मंगा ली, क्योंकि अमृतसरी मच्छी मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ तो मुझे वहाँ का उस मच्छी का बेसिक आइडिया था कि टेस्ट कैसा होगा एंड वॉट टू एक्सपेक्ट। प्लस जनरली डीप फ्राई होकर सोल फिश तो इंडिया में जगह जगह मिलती है, मैंने पहले भी एक्सपीरियंस 2-3 बार किया, इस तरह का फिश का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सॉटेड वेजिटेबल्स के अंदर ब्रोकली, कैरेट, बीन्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने का मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आ रहा है जितना मेरे को फिश खाने का आया। आज लंच का काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर दी येलो चिल्ली के अंदर। इनफैक्ट आया था तो मैं ये सोचकर आया था कि मैं अमृतसरी मच्छी खाऊंगा, मैंने इस डिश के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अभी लेमन मिर्च तवा फिश खाकर आई एम डीपली सेटिस्फाइड। ये मैंने रोटी या नान नहीं मंगाया साथ में, केवल अमृतसरी मच्छी और साथ में ये फिश। अगर आप इस तरफ आते हैं रंजीत एवेन्यू और आपको फिश पसंद है, अमृतसरी मच्छी के अलावा भी अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस। जस्ट थॉट टू शेयर दिस विद यू, दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट द येलो चिली इज ओन्ड बाय द फेमस शेफ संजीव कपूर। इंडिया में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता, बट मेरे हिसाब से 25-30 तो इंडिया में होंगे। प्लस आई नो दैट इंडिया के बाहर भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। कभी कभी हमें कुछ फूड की प्रिपरेशन देखनी होती है अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, तो मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ रेसिपी बाय संजीव कपूर, बिकॉज ही इज़ सो नोन एंड सो पॉपुलर इंडिया के अंदर, लाइक फूड के अंदर तो इज़ अ स्टॉलवर्ट। तो अच्छा हो गया एक्सपीरियंस यहाँ आने का। आई एम अगेन रिपीटिंग ये पर्टिकुलर फिश, क्योंकि ऑयल इस्तेमाल नहीं हुआ, अमृतसर में इतना सारा हमने ऑयल खाया तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आया ये खाकर, ऊपर से नींबू प्लस तवा पे बनने का फिश का खाने का एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा है। अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ कि यहाँ पे एम्बियंस अच्छा है, फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस है। तो आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं रंजीत एवेन्यू में इस तरह का फूड, तो यू कैन कम एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस फॉर नॉन वेज एज वेल एज फॉर वेज फूड। कल रात को मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था कि नॉनवेज के कौन से जॉइंट्स हैं अच्छे हैं जो मैंने अभी तक मिस कर दिए हैं, तो चावलास का नाम आया रंजीत एवेन्यू में। तो किसी ने वहाँ पर एक रिव्यू में लिखा होता कि यहाँ जाओगे तो आप क्रीम चिकन ट्राई करना, तो मैंने अपने लिए एक क्रीम चिकन मंगाया, साथ में एक डिश और मंगाई है, इसका नाम है खुरचन। दोनों चिकन पे है, खुरचन ड्राई ग्रेवी के अंदर, क्रीम चिकन में ग्रेवी है। तो मैं आपको दोनों खाने के बाद बताता हूँ टेस्ट कैसा है। अभी ऑर्डर देते टाइम मैंने समझा कि खुरचन क्या है, थोड़ा नाम से नहीं समझ आ रहा था, तो मुझे बताया गया कि इसके अंदर स्मॉल चंक्स ऑफ चिकन होंगे विच आई कैन सी, प्लस बताया इसमें 3 तरह की ग्रेवी डलती है, वेज भी, मटन की भी और चिकन की भी। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, नॉलेज नहीं थी, तो अब खा के बताता हूँ आपको कि टेस्ट कैसा है इसका। साथ में मैंने गार्लिक नान और लच्छा परांठा मंगाया। इस डिश का नाम है क्रीम चिकन। अगर मुझे पूछा जाए कि आप एक सेकंड नाम बताओ इसका क्या होगा, तो आई विल से काली मिर्च चिकन। इसके अंदर ना मुझे काली मिर्च का फ्लेवर आ रहा है, डोमिनेट कर रहा है डिश के अंदर इसके टेस्ट में, लेकिन काली मिर्च की जो मिर्च एलिमेंट है वो नहीं है, केवल फ्लेवर है। बाकी जो मसाले हैं इस ग्रेवी के अंदर उसके बारे में तो मैं क्या तारीफ़ करूँ,
या मेरे को ग्रेवी और खाने का मन कर रहा है थोड़ा सा दो चम्मच लेने के बाद कि आई शुड हैव मोर ऑफ ग्रेवी। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली क्रीम तो है ही है, क्योंकि डिश का नाम क्रीम चिकन है तो क्रीम होगा ही होगा, साथ में मिल्क भी है। कितनी क्वांटिटी में मुझे नहीं पता, लेकिन मिल्क इज़ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। गार्लिक नान भी काफ़ी सॉफ्ट बना है और जिस तरह से हम क्रिस्पीनेस एक्सपेक्ट करते हैं नान से, ऑलमोस्ट वैसा ही है। इतना मुझे खा के समझ में आ रहा है कि चिकन की सॉफ्टनेस का प्राइम रीज़न ये हो सकता है, काफ़ी देर तक ये उबला है चिकन, जिससे कि इस कदर सॉफ्ट है। ओवरऑल ऑसम ग्रेवी, सॉफ्ट एंड टेंडर चिकन। कुल मिला के जो नेट पे रिव्यूज़ थे कि आप क्रीम चिकन ट्राई करना, पूरी तरह से जस्टिफाइड है। गुड दैट आई केम टू दिस प्लेस और मैंने ये डिश मंगाई। ऑर्डर देते टाइम जैसे मुझे बताया गया था कि इसके अंदर स्मॉल चंक्स ऑफ चिकन होंगे, दूसरी बात मैंने ऑर्डर देते टाइम पूछा था किचन में क्या है, तो बताया गया था कि तीन मसाले कंबाइंड हैं, तीनों इस्तेमाल होते हैं। खाने में भी एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है, वेज मटन और चिकन तीनों के मसाले इसके अंदर, तीनों की ग्रेवी है। तो वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि जो टेस्ट आ रहा है वो किस ग्रेवी का आ रहा है, आई एम श्योर तीनों का आ रहा है। अगली चीज़ मैंने अभी इसकी ग्रेवी में नोटिस किया है कि ये ग्रेवी को ना ड्राई है, तो ग्रेवी को क्या हो सकता है, तीनों ग्रेवी पहले तो बैठी होंगी, भून भून के इस तरह की ग्रेवी बनाई गई है। देर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन दिस डिश एंड दिस डिश, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, ये हाई ग्रेवी के अंदर है और ये ड्राई ग्रेवी के अंदर है। बट ट्रस्ट मी, दोनों चीज़ें ऑसम है। मैं पर्सनली ट्रिप एडवाइज़र में आज शाम को जाके इसका रिव्यू ज़रूर करूँगा इस डिश का, क्योंकि कहीं किसी ने मेंशन नहीं किया था कि खुरचन खाना। मैंने जो 7-8 रिव्यूज़ पढ़े थे सब ने इसके बारे में जिक्र किया था ये खाना, बट आई फाइंड दिस थिंग ऑल्सो टू बी गुड। मैं खाते खाते सोच रहा था ये खुरचन के अंदर चिकन के पीस का क्लोजेस्ट मैच क्या होगा, तो मुझे लगा ये दो क्लोजेस्ट मैच हो सकते हैं। एक तो तंदूरी चिकन का जो फ्लैश का टेस्ट होता है कुछ कुछ वैसा, दूसरी चीज़ तवा चिकन में जो चिकन का टेस्ट आता है, ये दो क्लोजेस्ट मैच हैं इस पर्टिकुलर स्मॉल चंक ऑफ चिकन के। ग्रेवी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, इसके ग्रेवी के बारे में बताया, तो कुल मिलाकर गुड प्लेस, फाइन डाइनिंग है रंजीत एवेन्यू के अंदर। चावलाज इज़ अ नोन ब्रांड, लोग पहचानते हैं, मैंने गूगल मैप्स में डाला तो ईजिली मैं यहाँ पर पहुँच गया। आज हमारी अमृतसर की फूड जर्नी समाप्त हो रही है, नाउ गोइंग बैक टू पवेलियन। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। अगर आपकी कोई सजेशन है वीज़ा टू एक्सप्लोर को लेकर, तो प्लीज़ हमसे कमेंट्स में शेयर करिए, इस चैनल को फर्दर हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू हैव योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।